नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक और तर्कसंगत है। इस पवित्र और पावन धरा कुरुक्षेत्र पर भगवान श्री कृष्ण ने सदियों पहले गीता के उपदेश देकर पूरे विश्व को कर्म करने का संदेश दिया था। वहीं आज पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। इस भूमि पर हरियाणा सरकार व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से हर वर्ष आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पहचान पूरे विश्व में बनी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 के उद्घाटन सत्र में ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में पत्रकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ब्रह्म सरोवर की फिजाओं और यज्ञ के लिए सजाए गए 5 कुंडों और मंत्रोच्चारण की वाणी से काफी प्रसन्न हुए और बेहतरीन आयोजन की हरियाणा सरकार व प्रशासन को शुभकामनाएं व बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आने का अवसर उन्हें मिला। इस पावन धरा पर सदियों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इन उपदेशों को आज भी अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। इन उपदेशों का पूरा विश्व पालन और स्मरण कर रहा है। इस दृष्टि से हरियाणा सरकार को बधाई देता हूँ कि महोत्सव आयोजन करके आज युग में संस्कृति और संस्कारों को जिंदा रखने का काम वो कर रही है। एक प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है। इस देवभूमि में बहुत सारे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस प्रदेश के मंडी जिला में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव और कुल्लू के दशहरे को पूरा विश्व जानता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पवित्र ग्रंथ गीता को लेकर आयोजन करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह पवित्र ग्रंथ गीता हरियाणा हिमाचल तक ही सीमित नहीं है, यह सर्वव्यापी ग्रंथ है। इस पवित्र ग्रंथ में पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान है। उसको स्मरण करते हैं, उसका पालन भी करते हैं और उस दृष्टि से मैं हरियाणा सरकार को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि गीता महोत्सव जो इसका जो आयोजन हुआ, आज के इस युग में संस्कृति को संस्कार को जिंदा रखना और जो हमारे जो पुराने इतिहास की चीज़ें हैं उनको हम इस प्रगति की भागदौड़ में जो है भूले ना, उनको हम स्मरण करें, उनका सम्मान करें, उनसे सीखें, उनका हम पालन करें, उस दृष्टि से इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और साथ साथ में मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा एक संदेश गीता के माध्यम